वेलकम दोस्तों, आइए, ये है हमारा 120 स्क्वायर यार्ड यानी कि लगभग 1100 स्क्वायर फीट का फ्लैट। लास्ट वीडियो में दोस्तों मैंने आपसे कमिट किया था कि नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा इसी बिल्डिंग में दूसरे फ्लैट की, जो कि हमारा काफ़ी बड़ा फ्लैट है। बड़े सारे हमारे कस्टमर ऐसे हैं, बड़े सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमें बड़ा फ्लैट चाहिए, मेट्रो के नज़दीक हो, द्वारका से नज़दीक हो, बड़ा फ्लैट हो, बड़ा लिविंग रूम हो, बड़े रूम्स हो, बड़ा वॉशरूम्स हो। तो उन सब लोगों के लिए दोस्तों ये बेहद शानदार ऑप्शन है, लेकिन दोस्तों इसमें सिर्फ और सिर्फ एक यूनिट हमारे पास अवेलेबल है, तो इसलिए जिनको भी चाहिए वो थोड़ा सा जल्दी कीजिएगा। लास्ट वीडियो में जिस क्वालिटी का काम आपने देखा था, इस फ्लोर में भी बिल्कुल सेम क्वालिटी का काम है, फर्क है तो सिर्फ और सिर्फ साइज का। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं आपको थोड़ा सा क्विकली इस फ्लैट की विजिट करवाता हूँ। इस फ्लैट के सबसे पहले दोस्तों मैं साइजेस की बात कर लेता हूँ। ड्राइंग रूम कम लिविंग रूम इसे हम कहेंगे, और इसका साइज है 18x14 फीट का। 18x14 फीट दोस्तों आप समझ सकते हैं कि काफ़ी बड़ा ड्राइंग रूम लिविंग रूम होता है दोस्तों, और आप देख सकते हैं, आपको वीडियो में भी ज़रूर नज़र आ रहा होगा कि कितना बड़ा ये हमारा लिविंग रूम है। अगेन दोस्तों सारा काम वुडन का काम है, LED पैनल है, और इस तरफ आप देख सकते हैं कि काफ़ी डिज़ाइनर वर्क किया गया है। जो हमारा वॉलपेपर है, वॉलपेपर पर भी यहाँ पे LED लाइट्स लगाकर काफ़ी अच्छा डिज़ाइनर वर्क है। फॉल सीलिंग की बात करूँ दोस्तों तो अगेन काफ़ी बड़ी, बहुत ही बेहतरीन फॉल सीलिंग हमें यहाँ मिल जाती है। आप देखिए दोस्तों, ये झूमर कितना प्यारा है, काफ़ी अच्छी लुक हमारे इस लिविंग रूम को देता है। इस तरफ दोस्तों इस कॉर्नर को भी पर्टिकुलरली हमने यूज़ किया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ भी आप बुक शेल्फ बना सकते हैं, कुछ आपको अगर डेकोरेटिव मटेरियल रखना हो तो वो रख सकते हैं, किसी भी तरह से आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन नीचे भी यहाँ पे प्रॉपर आपको स्पेस मिलता है। अभी दोस्तों इस फ्लैट में काम चल रहा है, यानी कि एक सैंपल फ्लैट रेडी हुआ है फ्रंट में और बैक में दोनों तरफ। बैक का आपने लास्ट टाइम देखा होगा, फ्रंट का आपके सामने है। तो पार्किंग में काफ़ी थोड़ा सा हौश पौश है, तो आप ये मत समझना कि इसमें बहुत टाइम लगने वाला है, क्योंकि आपके सामने फ्लैट रेडी है। जो जो पार्टियां आ रही हैं, एक हमारी सेकंड फ्लोर पे पार्टी शिफ्ट भी हो चुकी है, तो जैसे जैसे पार्टियां आ रही हैं हम लोग उनको कंप्लीट करके फ्लैट दे रहे हैं। अब दोस्तों हम लोग हमारे कॉमन वॉशरूम की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आइए दोस्तों, काफ़ी बड़ा वॉशरूम है, आप देख सकते हैं कि 8x6 का काफ़ी बड़ा वॉशरूम आपको यहाँ मिल जाता है दोस्तों। रूफ हाइट तक टाइल्स मिलती है, इस तरफ आपको विंडो मिलती है, वेंटिलेशन के लिए प्रॉपर स्पेस मिलता है, लाइटिंग बहुत अच्छी है, फ्लोरिंग बहुत अच्छी है दोस्तों, और जितना भी इसमें जो भी फिटिंग्स यूज़ की गई हैं वो भी बहुत प्यारी हैं, बहुत अच्छी हैं दोस्तों। तो वॉशरूम का जो स्पेस एक्चुअल में होना चाहिए वो आपको यहाँ पे मिलता है दोस्तों। वॉशरूम के बाद हम लोग वॉशरूम के ठीक साथ में जो रूम है इसकी बात कर लेते हैं दोस्तों। आइए, ये है हमारा पहला बेडरूम। साइज़ की बात करूँ दोस्तों तो करीबन 14x12 का इसका साइज़ है। आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा ड्राइंग रूम है, आप इसमें 7x7 का बेड भी लगा सकते हैं, और उसके बाद भी अच्छा खासा स्पेस दोस्तों यहाँ पे आपको मिल जाता है। अगेन फॉल सीलिंग के बहुत प्यारे डिज़ाइन हैं, विद कॉप लाइट्स, विद LED लाइट्स। अगेन दोस्तों यहाँ पे आपको एक बहुत ही प्यारी वुडन की वार्डरोब मिल जाती है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ी वार्डरोब है, काफ़ी स्पेशियस है, और काफ़ी सामान, काफ़ी क्लोथ्स आप यहाँ पर रख सकते हैं। नीचे भी यहाँ पर दिया हुआ दोस्तों, अभी काम हुआ है, शायद थोड़ा सा अटक रही है। इस तरफ आप देख सकते हैं दोस्तों विंडो मिलती है आपको, शाफ्ट है, वेंटिलेशन का भी प्रॉपर यहाँ पे आपको जगह मिल जाती है दोस्तों वेंटिलेशन के लिए भी। और अगेन दोस्तों आप देख सकते हैं कि पूरी वॉल वुडन पैनल LED के साथ साथ जो बनाया हुआ है उसके साथ साथ पूरी वॉल पे ही वुडन का काम है, पूरी वॉल ही डिजाइनर है दोस्तों। यहाँ पे एक वॉल पर आपको, जैसे आपने इस तरफ देखा होगा, प्लीज़ इस तरफ देखिए, एक तरफ दोस्तों बहुत ही प्यारा आपको वॉलपेपर मिलता है, दूसरी तरफ आपको बहुत ही प्यारा LED पैनल और कंप्लीट वॉल पर वुडन का काम मिलता है। एक तरफ आपको वार्डरोब मिलती है, इस कॉर्नर में भी आपको प्रॉपर स्पेस मिलता है, आप स्टडी कर सकते हैं, अगर आप काम करते हैं तो आप यहाँ चेयर डालकर अपना ऑफिस वर्क भी कर सकते हैं। बहुत तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों ये फ्लैट बनाया गया है। आइए मैं आपको ले चलता हूँ हमारी किचन की तरफ। तो दोस्तों जैसा ड्राइंग रूम है, जैसे बेडरूम है, वैसी ही इस फ्लोर की किचन भी है। किचन दोस्तों बहुत ही प्यारी किचन है, एक कमरे जितने साइज की किचन है दोस्तों ये। इसके अगर मैं साइज की बात करूं तो करीबन 14x8 फिट की ये किचन हमें दोस्तों यहाँ मिल जाती है। आप देख सकते हैं
कि कितना बड़ा स्पेस यहाँ पे है। काफ़ी बड़ी शेल्फ है एल टाइप में, आप देख सकते हैं इस तरफ शाफ्ट का प्रोविज़न है, और पूरी किचन में ऊपर भी और नीचे भी आपको बहुत स्टोरेज मिलती है। कितना भी सामान आप रख सकते हैं, आप कितना भी आप फूडी हो, माफ कीजिएगा मजाक कर रहा हूँ, आप कितना भी खाने का के शौकीन हो, कितना भी आप यहाँ स्टोर कर सकते हैं। आपको इस तरफ आपके फ्रिज रखने का स्पेस मिल जाता है, और अगेन यहाँ भी आपको एक डिज़ाइनर ग्लास वर्क मिलता है जो कि आपके लिविंग रूम में और किचन के बीच में बहुत ही प्यारी गेटअप आपको देता है। अब दोस्तों बात करते हैं हमारे सेकेंड बेडरूम के बारे में। तो ये है दोस्तों हमारा सेकेंड बेडरूम, अगेन बहुत ही प्यारा बेडरूम है। इसके भी अगर मैं साइज़ की बात करूँ तो दोस्तों 12 बाय और 11 का हमारा ये बेडरूम है। यहाँ भी आपको बहुत प्यारा वॉलपेपर, बहुत प्यारी हैंगिंग लाइट्स मिलती हैं। आप देख सकते हैं कि जो वॉल पे लाइट्स हैं ये भी बहुत प्यारी हैं। फॉल सीलिंग के डिज़ाइन बहुत अच्छे हैं, कॉप लाइट बहुत अच्छी है, बड़ा प्यारा गेटअप आपको यहाँ पे मिलता है दोस्तों। इस तरफ आपको काफ़ी बड़ा LED पैनल मिल जाता है, आप देख सकते हैं कि कितना भी बड़ा TV आप लगा सकते हैं, 40 इंची 50 इंची जो भी आप लगाना चाहें आप यहाँ लगा सकते हैं दोस्तों। इस तरफ अगेन आपको एक काफ़ी बड़ी रूफ हाइट तक की वार्डरोब मिलती है, काफ़ी अच्छी स्टोरेज है इसमें, मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। ये देखिए काफ़ी बड़ी वार्डरोब है, बहुत स्पेस है दोस्तों, कितने भी क्लोथ्स आप रख सकते हैं। इस तरफ आपको विंडो मिलती है, विंडो में आपको जाली के दरवाजे भी, बीच में सेफ्टी ग्रिल भी, माफ़ कीजिएगा जाली की खिड़कियाँ, फिर सेफ्टी ग्रिल, देन ग्लास की खिड़कियाँ आपको मिलती हैं। और दोस्तों यहाँ है हमारी बालकनी, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। 3.5 फीट बाय 20 फीट की बालकनी आपको मिलती है, SS की रेलिंग आपको मिलती है, ये 304 की SS ग्रिल है दोस्तों, कभी भी ब्लैक नहीं पड़ेगी, हमेशा ही ऐसे चमकती रहेगी। हमारी अगर मैं एलिवेशन की बात करूं तो अगेन यहाँ भी बहुत ही प्यारी टाइल्स लगाई गई हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की टाइल्स हैं दोस्तों, हमेशा ही आपके फ्लोर को, आपके एलिवेशन को बहुत ही अच्छी लुक मिलती रहेगी हमेशा के लिए। यहाँ से दोस्तों हमारा सेकेंड, माफ़ कीजिएगा थर्ड बेडरूम है, आइए मैं आपको थर्ड बेडरूम में ले चलता हूँ। 2 बेडरूम हमारे बालकनी की तरफ खुलते हैं दोस्तों। तो ये दोस्तों हमारा थर्ड बेडरूम है, आप देख सकते हैं कि बहुत ही प्यारा बेडरूम है, साइज़ भी बहुत प्यारा है, 12 बाय 12 का ये बेडरूम आपको यहाँ मिल जाता है दोस्तों। और अगेन बहुत ही प्यारा वॉलपेपर, फॉल सीलिंग के डिज़ाइन, कॉब लाइट, LED लाइट्स, अगेन यहाँ पे इस रूम में भी आपको रूफ हाइट तक की एक काफ़ी बड़ी वार्डरोब मिल जाती है। इस तरफ आपको LED पैनल मिलता है, काफ़ी बड़ा LED पैनल है दोस्तों, ऑलमोस्ट पूरी दीवार ही इसके इसमें कवर हो जाती है दोस्तों। आप देखेंगे कि हमारे इस फ्लैट में वुडन का काम काफ़ी है, जैसे हमारे इससे पहले वाली वीडियो आपने देखी होगी तो उसमें भी वुडन का बहुत ज़्यादा काम करवाया हुआ था। वुडन के काम से नो डाउट एक बहुत ही प्यारी गेटअप और बहुत ही प्यारी एक मतलब फील आती है दोस्तों आपके फ्लैट में। अब मैं ले चलता हूँ आपके अगेन नेक्स्ट वाशरूम की तरफ। ऑलमोस्ट स्क्वेयर में दोस्तों ये वाशरूम है, 6 बाय 8 का ये वाशरूम है। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि टाइल्स वर्क रूफ हाइट तक है, बहुत ही प्यारा है, सारी चीज़ें क्वालिटी की हैं, सारी फिटिंग्स हैं प्रॉपर। यहाँ पे मिक्सर आपको दिया गया है, बिल्कुल लेटेस्ट क्वालिटी के दोस्तों, सारे इक्विपमेंट्स यहाँ लगाए गए हैं। इस तरफ आपको शॉफ्ट मिल जाती है, वेंटिलेशन के लिए आप एग्जॉस्ट फैन लगा सकते हैं, और लाइटिंग भी प्रॉपर दोस्तों यहाँ पर आपको मिलती है। तो ये था दोस्तों हमारा तीसरा बेडरूम। इस तरफ दोस्तों मैं एक आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे लुकिंग मिरर भी दिया गया है, आप जब रेडी होना चाहते हैं, रेडी होने के लिए ऑब्वियसली आपको एक लुकिंग मिरर चाहिए होता है जिसमें आप कंप्लीटली अपने आप को देख सकें कि कैसी गेटअप आपकी तैयार होने के बाद आ रही है। तो दोस्तों ये था हमारा फ्लैट। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है यहाँ पर शाफ्ट, दोस्तों देख सकते हैं आप, काफ़ी बड़ी शाफ्ट है, शाफ्ट की जो विंडो है वो यहाँ ओपन होती है ताकि आपके जो आपका लिविंग रूम है इसमें हमेशा ही एक वेंटिलेशन बना रहे, एयर का प्रॉपर फ्लो बना रहे, और यहाँ बैठने वाले को कभी भी घुटन ना हो। ड्राइंग रूम के बारे में, माफ़ कीजिएगा लिविंग रूम के बारे में दोस्तों मैंने एक स्पेस के बारे में आपको बता ही दिया। इसमें एक और ख़ास बात है कि अगर आप कोई 20 से 25 लोग भी अगर आपके गेस्ट आ जाते हैं, 25 से 30 लोग भी आप आ जाते हैं, तो मुझे लगता है बहुत इजीली आप यहाँ बैठ सकते हैं दोस्तों। बच्चे का बर्थडे हो, कोई फंक्शन हो, कोई कीर्तन हो, या कुछ भी आपके घर में ऐसा खुशी का मौका हो, तो यहाँ पे दोस्तों 25-30 लोग आराम से आ सकते हैं, बैठ सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको
ये फ्लैट ज़रूर पसंद आया होगा। हमारे पास इसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही यूनिट अवेलेबल है, अगर आप चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम दोस्तों, आइए देखिए। द्वारका मोड़ से मैंने डिस्टेंस आपको बता ही दिया, मेट्रो स्टेशन से करीबन 350 मीटर पर है, और जो द्वारका है दोस्तों मेन द्वारका, वहाँ करीबन 700-800 मीटर के डिस्टेंस पर है। वेगस मॉल बहुत नज़दीक है, रजिस्ट्री है, इसमें लोन अवेलेबल है, इसमें लिफ्ट है, इसमें कार पार्किंग है, लोकेशन बहुत प्यारी है, सामने चौड़ा रोड है, बालकनी पूरा फ्लैट आप देख ही चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता दोस्तों कि कुछ भी ऐसा बचा है कि आपको ये फ्लैट पसंद ना आए। तो आइए दोस्तों विजिट कीजिए, ज़रूर आपको ये फ्लैट पसंद आएगा, और आकर मिलते हैं दोस्तों। कुछ भी अगर मुझसे रह गया हो, कुछ भी छूट गया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों इसकी कीमत मैं आपको बता देता हूँ, इसकी कीमत है सिर्फ और सिर्फ 67 लाख रुपीज़। इतनी प्यारी चीज़ दोस्तों, इतनी अच्छी मेकिंग और इतनी अच्छी लोकेशन पे इतने कम पैसे में आपको नहीं मिलेगी। मुझे पता है दोस्तों कि जिन लोगों का बजट कम है उनको शायद ये ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन जिनका बजट है उनके लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। आप आइए दोस्तों विज़िट कीजिए, हम लोग आपका वेट करते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा दोस्तों, मेरी हर वीडियो की तरह आपका अपना चैनल है, आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, हम लोग ये वीडियो आप ही लोगों के लिए बनाते हैं दोस्तों। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ दोस्तों मैं आपसे विदा चाहता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, जय भोलेनाथ।